जन्म दिया था वो विवादित ढांचा था, लिहाजा मस्जिद कहना उसको मस्जिद को अपमान करने वाली बात है। और एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के ऊपर जो राम जन्मभूमि पर बनाया गया था, अगर उस पर भगवान राम का झंडा जय श्री राम लिखकर लगाया गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक संघर्ष है जो हक के लिए किया गया है। और अरे भाई, वहाँ भगवा झंडा जय श्री राम का अगर नहीं लगेगा तो चांद तारा बना हुआ क्या पाकिस्तान का झंडा लगाओगे? तो हम उसको मस्जिद नहीं मानते। और मस्जिद मानकर हमने वो झंडा नहीं लगाया है, हमने वो एक कलंक ढांचा जो है, बाबर का जो डिस्प्यूट है, बाबर का जो कुकर्म है, उसके ऊपर हमने जो असलियत है वो दिखाने की कोशिश की है। इस फिल्म में क्या चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई? देखिए, इस फिल्म में हमने जो जिस तरह से नफ़रतें फैल रही हैं, बाबर जो इसको यहाँ जन्म दे गया, एक विवादित ढांचा एक पवित्र ज़मीन पर बना गया खून खराबा करके, उसके ज़रिए जो आज तक नफ़रतें फैली हुई हैं और जो कुछ मुल्लास देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, मुसलमानों को उसकाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मफाद के लिए, और एक इसके साथ साथ में वो हलाला जैसी कलंकित प्रथा जो मुसलमानों में शरई तौर पर तो नहीं है, लेकिन हाँ उसको शरई जामा पहनाकर अय्याशी की जाती है। मुल्ला इसको अपने अय्याशी का अड्डा बनाए हुए हैं, अय्याशी का एक खेल बनाए हुए हैं, उसके अगेंस्ट भी हमने आवाज़ उठाई है। और ये समाज में बाबरी ढांचे को लेकर बुराई फैली हुई है, इसको लेकर आवाज़ उठाई है। इस फिल्म में किन चीज़ों को प्रमुख रूप से दिखाया गया या क्या अवधि है? देखिए, ये 2.25 घंटे के आसपास की पिक्चर है जो पूरे देश में दिसंबर की एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में रिलीज़ होगी। अभी रिलीजिंग डेट अभी हमने तय नहीं की है, लेकिन ये समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ एक संघर्ष है। कितना बजट वगैरह इस फिल्म का है और कौन लोग इसमें एक्टिंग कर रहे हैं? हमने बहुत कम बजट में पिक्चर को तैयार करने की कोशिश की है। हमारे अपने दोस्त हैं, जिस वक्त हमने इस पिक्चर को शुरू किया उस वक्त हमारे अकाउंट में सिर्फ 5 लाख रुपए थे, जो डायरेक्टर को जब हमने बताया तो उनको यकीन भी नहीं हुआ कि हम इस पिक्चर को बना ले जाएंगे। देखिए, वसीम रिज़वी अगर कोई फिल्म बना रहे हैं तो उनके निजी विचार हैं और वो फिल्म के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, अभी हमें इसका कोई प्लॉट के बारे में तो हमें फिल्म की कोई जानकारी नहीं है और इस पर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी कि फिल्म के माध्यम से वो क्या दिखाना चाह रहे हैं या क्या दर्शाना चाह रहे हैं, तो मैं उस पर कमेंट करना वाजिब नहीं समझूंगा। और उसके अलावा ये उनके पूर्ण रूप से निजी विचार है, अगर वो कोई फिल्म बनाते हैं और सेंसर बोर्ड अगर उसको अप्रूवल देता है तो इसमें कांग्रेस पार्टी क्या बोल सकती है।